वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ विद रिशानी। कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब लोग भी अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का 8 बजने वाला है। अभी हम लोग चाय पी रहे हैं यहाँ पे बैठकर, ब्लैक टी। सुबह सुबह हम लोग का आदत ही बन गया है ब्लैक टी पीने का। तो अभी थोड़ा देर में पानी आएगा क्योंकि सिटी बजा दिया है और साथ ही साथ ब्रेकफास्ट की भी तैयारी चल रहा है। तो आज है बुधवार, आज कितना तारीख है? 4 तारीख है। तो चलिए अभी हम लोग चाय पीने जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा देर में पानी आएगा। पानी भर के फिर मिलते हैं आप लोगों से। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। सब आंटी लोगों को फ्लैंकिस दे दो, फटाफट से दे दो। तो फ्लैंकिस दे दो सबको। कभी कभी ना इतना नाटक करती है ना। बाहर देखिए, आपको कपड़े ही कपड़े दिखेंगे। सुबह सुबह 8 बजे पानी आ जाता है मेरे घर में। और पानी जब भी आता है ना, तब भी मतलब जितने भी पानी वाले काम होते हैं ना, सब मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और उस टाइम में कोई भी काम नहीं करती हूँ, चाहे घर में पोछा लगाना हो, कुछ भी हो, सब इसी टाइम में मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और मेरा घर भी क्लीन हो जाता है, बहुत सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी मैं ड्रम साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इस ड्रम का पानी मैं चेंज कर दी हूँ। और कोशिश करती हूँ मैं अपने घर को जितना हो सके उतना क्लीन रखूँ, इसलिए रोज़ कोई ना कोई काम बढ़ जाता है। और मैं वैसे भी ढूंढ ढूंढ कर काम करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे बिजी रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। सही बोलते हैं लोग, खाली दिमाग शैतान का होता है। और सच में खाली बैठो ना तो बहुत सारे टेंशन होते हैं, दिमाग में बहुत सारे बातें चलते रहती हैं। और मेरे साथ तो बहुत होता है क्योंकि मेरे लाइफ में भी रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम होते ही रहता है। और मेरे लाइफ में ही नहीं, सबके लाइफ में, लेकिन पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और अभी के टाइम में तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव अगर नहीं सोचेंगे, नेगेटिव ख्यालों में रहेंगे तो दिमाग ख़राब तो होगा ही, क्योंकि इंसान के लाइफ से टेंशन कभी जाने वाला नहीं है। इसलिए काम करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ज़्यादातर घर के कामों में ही बिज़ी रहती हूँ क्योंकि मुझे घर का काम करना बहुत पसंद है और बिज़ी रहना बहुत पसंद है। बिज़ी रहती हूँ ना तो मैं खुश रहती हूँ, पता नहीं क्यों। और कभी कभी आप लोग पूछते हैं ना कि आप इतना फिट कैसे रहते हो, शायद यही काम करने की वजह है जो कि मैं फ़िट रहती हूँ। मैं कपड़े भी खुद से धोती हूँ। बहुत सारे फ्रेंड बोलते हैं कि वॉशिंग मशीन ले लीजिए। मैं अपने आप को फिट रखने के लिए ना अपने हाथों से जितना काम करती हूँ ना, वही मुझे अच्छा लगता है। हाथों से कपड़ा धोती हूँ, बर्तन धोना, घर के काम करना, झाड़ू पोछा करना मुझे बहुत पसंद है। शायद मैं इसीलिए फिट रहती हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज का काम करता है। अगर हर काम करने के लिए मशीन का सहारा लेने लगे ना, तो पता नहीं हम लोग तो और भी ज़्यादा लेजी हो जाएंगे। मशीन से कपड़े धोने से टाइम की बचत होती है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं रहता है तो ले लेना चाहिए। धीरे धीरे मैं सब चीज़ ले लूँगी। मैं अपने आप को खुश रखने के लिए घर के काम करती हूँ। आप लोग बताना, आप लोगों को घर में कौन से काम करना पसंद है? और पोछा लगाना पहले मुझे बहुत पसंद आता था, आजकल पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी काम है तो करना ही पड़ता है। So guys, घर में पोछा लग गया, घर मेरा पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। और अभी मैं सोची थी नहा लेती हूँ फटाफट से, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया है। फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, फिर उसके बाद नहाऊंगी। तो सब चीज रेडी है, बस बनाना है। तो अभी मैं उसी का तैयारी कर रही हूँ। मसूर दाल को अच्छे से बॉईल कर ली हूँ और मैं पानी उतना ही डाली थी जितना मैं मसूर दाल अच्छे से बॉईल हो जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो देखिए इस तरह से मसूर दाल बन गया है। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के बॉईल की हुई थी। तो अभी ये ठंडा हो गया है, अभी इसमें थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी जीरा का। और यहाँ पर मैं हरी मिर्च, प्याज और धनिया पत्ता काट के रखी हूँ, इसमें डालना है। ये
ये है दिलशानी के लिए बिना हरी मिर्च का, और इसमें अभी मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, अभी अच्छे से मिक्स करूंगी, फिर हम लोग अपने लिए बनाएंगे। पहले दिलशानी को बना के देते हैं, दिलशानी को भूख लगा है। मम्मा ये इसे करना है, इसे और बना, थोड़ा इसे वाला बना दो ना, ऐसा वाला। कैसा वाला? ऐसा बनाते नहीं हुआ। अभी पराठा बन के रेडी हो गया है, और अभी मैं दाल भी चढ़ा दी हूँ लंच के लिए, तो दाल भी बन जाएगा, साथ ही साथ मैं लंच भी बना लूँगी। यहाँ पे आलू छील के रखी हूँ, क्योंकि आज मैं आलू दम बनाऊँगी। सो गाइस, अभी नहा कर पूजा करके और मैं ब्रेकफास्ट भी कर ली हूँ, तो आज बहुत दिन बाद ना मैं ये दाल वाला पराठा बनाई थी, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसके साथ मैं ये सब्जी नहीं बनाई थी, अचार के साथ खाई हूँ, अचार के साथ भी अच्छा लगता है। जैसे मैं आज मसूर दाल का बनाई हूँ ना, वैसे ही मूंग दाल का भी बना सकते हैं, चना दाल का भी बना सकते हैं, खाने में बहुत ही लगता है ये दाल वाला पराठा, और बहुत दिन बाद मैं आज बनाई हूँ। इनका काम आजकल घर से ही हो रहा है, तो इसलिए टाइम मिल रहा है, नहीं तो मैं सुबह सुबह तो दाल चावल सब्जी ये सब बना देती हूँ, दोपहर के टाइम में रोटी बनाती हूँ। और अभी मेरा दाल बन गया है, और आलू भी मैं छील के रखी हूँ, आज मैं आलू दम बनाऊंगी। और 11 बजने वाला है, दिलशानी को भी मैं जा रही हूँ नहलाने, दिलशानी को रेडी करती हूँ, क्योंकि 11 बजे से उसका क्लास चालू हो जाता है। क्लास जैसे ही उसका खत्म होगा, उसके बाद मैं फटाफट से लंच भी बना लूंगी। मैं आलू छील के रखी हूँ ना, इसमें होल करना है चाकू से, तो ये कच्चा आलू है, इसमें होल करेंगे। और यहाँ पे देखिए, मैं सुबह सुबह भिगो के रखी हूँ, रात को मैं भिगोना भूल गई थी, तो अभी ये फूला भी नहीं है। आज मैं सोची थी लंच में यही बनाऊंगी, लेकिन अच्छे से फूला नहीं है, तो रात को बना लूंगी, नहीं तो कल बनाऊंगी। तो इसमें है काबुली चना है, राजमा है, लोबिया बीन्स है, ये मटर है, और ये काला चना भी है। तो ये सारे मिक्स करके मैं बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को राजमा पसंद नहीं है, काबुली चना पसंद नहीं है, लोबिया बीन्स पसंद नहीं है, तो इसमें सिर्फ दो ही चीज पसंद है मेरे हस्बैंड को, मटर और ये काले चने। मटर कहाँ गया, कहाँ गया मटर? यहाँ है मटर, काला चना, मटर और ये काले चने, इसे देहाती चना भी बोलते हैं हम लोग, ये ही दोनों पसंद है। तो इसलिए मैं ऐसे मिक्स करके बनाती हूँ, और जल्दी जल्दी नहीं बनाती हूँ, बहुत बहुत दिन पे बनाती हूँ, तो कभी कभी बनाती हूँ तो खा भी लेते हैं। कि मनीषा कैसे होल कर रही है, इसी तरह से होल करना है, और होल करने के बाद ना इसे तुरंत पानी में डाल देना, नहीं तो ये ब्लैक पड़ जाएगा। देखिए मनीषा कितना मेहनत कर रही है, इसको पूरा अच्छे से होल करना पड़ता है, तभी इसके अंदर ना ग्रेवी अच्छे से जाता है। और अभी मैं यहाँ पे चाय भी बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को चाय तो चाहिए रहता है। बाहर का थोड़ा सा नजारा देखिए, कभी बारिश कभी धूप, ऐसा ही अभी चल रहा है, और पूरा अगस्त का महीना ना ऐसा ही निकलेगा। अरे 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 दिशानी टाइम हो गया, जल्दी 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 बैठो, बैठो नीचे बैठो, जल्दी जल्दी बैठो। क्या हाल, क्या देखिए इतना सारा इसका बुक है, और दिशानी का यहाँ पे क्लास चालू होगा, और मैं बैठ के यहाँ पे चाय पीने वाली हूँ। मेरे को भी, आप लोग भी मेरे साथ आ जाइए चाय पीने। हेलो बी लो छोड़ना बच्चे। तो गाइस दिलशानी के क्लास खत्म हो गया, इसको पढ़ाना बहुत मुश्किल है, अच्छे से बैठती भी नहीं है। तो अभी इसका क्लास खत्म हो गया, और यहीं बैठे बैठे ना मैं वीडियो अपलोड की हूँ, और 12 बजे ही क्लास खत्म हो जाता है। तो अभी 1 बजने वाला है, 12:45 हो रहा है, तो अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने। तो दाल बन के रेडी हो गया है, मनीषा चावल भी बना के रख दी है, बस मुझे सब्जी बनाना है,
तो चलिए फटाफट से बनाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। टाइम बचेगा तो कोई और काम भी करूंगी। मैं सोच रही थी कपड़े सिलने के लिए, कपड़े काटना है मुझे क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है, 14 अगस्त को मेरा बर्थडे है। तो जो मैं एक ब्लाउज खरीद के लाई थी ना, ब्लाउज का कपड़ा आप लोग देखे होंगे, गोल्डन कलर में ही था, दिखाई हुई थी आप लोगों को, वो वाला ब्लाउज ना मुझे सिलना है क्योंकि एक साड़ी है मेरे पास, वो ब्लाउज के साथ बहुत अच्छा लगेगा वो साड़ी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सिल लेती हूँ और अपने बर्थडे के दिन वही पहनेंगे साड़ी, कैसा रहेगा ना, अच्छा रहेगा ना। तो चलिए टाइम मिलेगा तभी तो मैं कटिंग कर पाऊंगी, आज काट लूंगी तो दूसरे दिन सिला भी जाएगा। मनीषा को बोलूंगी सिलने के लिए क्योंकि इसे भी कपड़ा सिलने आता है, उतना अच्छा से तो नहीं आता है लेकिन फिर भी सिल लेती है, धीरे धीरे सिलेगी तो हाथ बैठ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। आलू दम बनाने के लिए कुछ कुछ तैयारी मैं करके रखी हूँ। यहाँ पे प्याज काट के रखी हूँ, दो हरी मिर्च है, धनिया पत्ता है, तेज पत्ता है, दालचीनी है, एक बड़ी इलायची है, दो मीडियम साइज के टमाटर को मैं घीच ली हूँ, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि मैं खल में ही कूट कर बनाती हूँ, और देखिए यहाँ पे आलू है, मनीषा होल करके रखी हुई थी इसे पानी में, आलू को अच्छे से धोकर साफ पानी में रखी हुई थी। देखिए पानी में रखने से ना आलू देखिए एकदम साफ है, काला नहीं पड़ा है, अगर पानी में नहीं रखते ना तो बहुत जल्दी काला पड़ जाता। और अभी पानी से छान लेंगे, इसके अंदर होल किया हुआ है ना तो इसके अंदर पानी चला गया है, तो इसको इस तरह से दबा दबा कर पानी निकाल देंगे, नहीं तो फ्राई करते वक्त ना बहुत छीटा उड़ेगा ऑयल का वक्त, इसलिए इस तरह से दबा दबा कर इसका पानी निचोड़ देंगे। तो देखिए अभी इसे फ्राई करना है। आलू को ब्राउन होने तक मैं फ्राई कर ली हूँ, अभी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो सेम ऑयल में मैं तेज पत्ता डाली हूँ, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च, बीच से चीरा लगा के रखी हुई थी, थोड़ा सा हींग डालेंगे और सबको थोड़ा टाइम तक फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद मैं प्याज डालती हूँ, प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा टाइम तक भून लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर मसाला निकाल के रखी हूँ, रेगुलर जो मसाले यूज होते हैं, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ये सब डालने के बाद जो टमाटर का प्यूरी था उसे मैं डाल दी हूँ, थोड़ा सा पानी डाली हूँ और अभी स्वाद के अनुसार नमक डाल दी हूँ। मसाले को अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद इसमें जो फ्राई किया हुआ आलू है उसे डालकर और थोड़ा टाइम तक और भूनेंगे। उसके बाद ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे, तब तक कुक करेंगे जब तक आलू पक ना जाए, उसके बाद ये सब्जी बनके रेडी हो जाएगा। क्योंकि एकदम बड़ा बड़ा सा आलू है ना, छोटा छोटा आलू नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं थोड़ा मीडियम साइज का ही आलू ली हूँ। तो ये आलू पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल दी हूँ, अभी इसे धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दी हूँ। और अभी यहाँ पे मैं भिंडी की भी भाजी बना रही हूँ क्योंकि त्रिशनी को भिंडी का सब्ज़ी बहुत पसंद है, उसके लिए ही खासकर मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा ही भिंडी था। कैसे हो आप सब लोग? लंच करने के बाद डायरेक्ट अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, अभी 7 बजने वाला है और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। अभी थोड़ा देर पहले जाने के लिए सोचे थे, बारिश इतना जोर से आने लगा ना कि थोड़ा देर के लिए रुक गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं, है ना निशानी? निशानी भी रेडी हो गई है, थोड़ा सा घूम कर आते हैं। वैसे बारिश आ ही रही है थोड़े थोड़े देर पे, तो क्या करेंगे, ये बारिश छूटने वाली नहीं है, आएगी जाएगी। तो हम लोग भी जाकर घूम कर आते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। निशानी रेडी है जाने के लिए? ला ला ला। ला ला ला। अरे 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 अरे, क्या कर रही है, क्या कर रही है? कैसे दिखाई देगा, मम्मी बैक कैमरे से दिखा रही है ना, मुझे दिख रहा है। पम 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 क्या, चलो रेडी हो गई, चलो
क्या ले लूं? छतरी की जरूरत नहीं है बेटा, अभी हम लोग नीचे जाएंगे और एक दो राउंड लगाएंगे फिर चले आएंगे, ठीक है? मौसी को बुला लो, मौसी को। सो गाइस, हम लोग नीचे गए थे घूमने और जैसे ही नीचे गए ना वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गया और बारिश की वजह से अच्छे से घूम भी नहीं पाया है। वैसे ही एक दो राउंड लगाया है और चले आए हैं घर पे। घर पे आने के बाद मैं डिनर बनाई हूँ, रोटी बन गया है और सब्जी बनाना नहीं था क्योंकि सब्जी में जो आलू दम बनाई थी ना वो बहुत सारा है। और देखिए यहाँ पे फ्रिज से मैंगो निकाल के रखी हूँ तो आम के साथ रोटी मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम सब लोग अच्छे से खा लेते हैं। तो वो सब्जी है उसे गर्म करूंगी, अभी थोड़ा दाल भी है। आज का दिन पूरा खत्म हो गया और दर्शनी को अभी होमवर्क भी कराना है, बहुत सारा इसको होमवर्क मिला है तो अभी बहुत टाइम लगेगा कराने में। हाँ तो अभी लगभग एक डेढ़ घंटा लगेगा इसको बैठा के पढ़ाना पड़ेगा। और इस ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी क्योंकि ब्लॉग छोटा ही सही लेकिन वीडियो रोज जाना चाहिए। तो अभी इस वीडियो को एडिट भी करना है, अभी हम लोग डिनर करेंगे, अभी इस ब्लॉग को भी एंड करूंगी। आज सोची थी कपड़ा काटने के लिए लेकिन मनीषा सो गई है दोपहर के टाइम में तो कपड़ा कटिंग नहीं हुआ है, कल टाइम निकाल कर काटूंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग यही पे एंड। क्या आज काट, क्या आज काट लू? आज ही काट लो ना। हाँ तो अभी बहुत बर्थडे आ रहा है ना, इसको भी पता है रे, तुमको पता है कि मेरा बर्थडे आ रहा है? आप तो बोल रहे थे ना। हाँ वीडियो में बोल रहे थे, तुम सुन ली वीडियो में आप बोल रहे थे ना कि तो अभी चलिए इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। टाइम तो मिलेगा नहीं क्योंकि अभी 9 बज गया है, 9 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। डिनर करूंगी, रिशानी का इतना सारा होमवर्क कराना है तो टाइम कहाँ मिलेगा। फिर उसके बाद वीडियो भी एडिट करना है तो आज मैं कपड़ा कटिंग नहीं कर पाऊंगी, कल टाइम निकाल के काटती हूँ फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ा सा पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे और वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। दिशु बाय बाय बोल दो, बाय बाय तो बोल दो, दिखा तो इधर आओ ना, ब्लैक कैमरे से दिखाओ, नहीं इधर आ जाओ मामा, ब्लैक कैमरे से दिखा दे, ब्लैक कैमरे से बोलो बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। नीचे झुकने की जरूरत नहीं है, दिख रही है तुम तो।